हेलो गाइज एंड होप यू ऑल आर डिंग वेल मैं हूँ आप लोगों का हाउसन एंड दोस्त पुनी तो आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मैं इतने वाइट सेटअप में ना कभी भी अपनी वीडियो शूट नहीं करता बट आज पहली बार मैं इतना वाइट सेटअप में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज जो प्रोडक्ट रिव्यू के लिए ना वो अपने आप में बहुत बड़े साइज में बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा टेबल पर रखा हुआ और ये जो प्रोडक्ट है ये एक हैवी ड्यूटी ट्राईपॉड है एक फ्लूएडेड हैवी ड्यूटी ट्राईपॉड है जो कि आता है स्मॉल रिक की तरफ से जिसका नाम है ए सो so, मैंने अभी रिसेंटली एक फ्लो एडेडेडेडेडेड ट्राईपॉड के ऊपर वीडियो अपलोड करा था मेरे यूट्यूब पे वो अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आने वाला ट्राईपॉड था और ये जो ट्राईपॉड है ये तो स्टिल अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है बट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है उस पर्टिकुलर ट्राईपॉड से बट उससे ज़्यादा बेटर और हाई क्वालिटी की बिल्ड के साथ साथ में ज़्यादा पेलोड और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में आता है साथ साथ में ये ट्राईपॉड तो मेरे पास है ही इसकी इसकी एक डॉली ट्रैक भी है तो so, यहाँ पे आपको मेरे हाथ में इसका डॉली ट्रैक दिख रहा हूँ ये जो डॉली ट्रैक है ये ट्राईपॉड के नीचे लग सकता है और आपके ट्राईपॉड को जो है वो एक व्हील वाला ट्राईपॉड बना सकता है ये भी स्मॉल रिक की तरफ से आता है और ये स्पेसिफिकली इस टाइप के फ्लू है ट्राइपॉड के लिए डिजाइन हो रखा है इस मॉडल का नाम है थ्री अब क्विकली इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ओवरऑल कैसा इनका एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का यहाँ पे मैंने जो है मेरे ट्राईपॉड्स को अनबॉक्स कर लिया है जब आप सबसे पहले इसे अनबॉक्स करेंगे तो एक सबसे अच्छी चीज आपको देखने को मिलती है ट्राईपॉड जो है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग में आता है ये एक पूरा पैडेड बैग है और जनरली जब आप यू you नो know, जब एक फ्लूएडेड ट्राईपॉड लेते हो क्योंकि इनका वेट अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है और एक अच्छे बैग की जरूरत होती है इसे कैरी करने के लिए क्योंकि डैमेज होने के बड़े चांसेस रहते हैं इस टाइप के ट्राईपॉड्स के लिए और ये पूरा एक पैडेड बैग है और बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग है इस बैग में यहाँ पे अंदर की तरफ एक पॉकेट भी दिखती है जिसके अंदर हमें जो है वो इसकी जो बेसिकली हैंडल है वो यहाँ पे दिख जाता है और साथ साथ में एडिशनल कुछ पेपर वर्क और एक्सेसरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, है लाइक जैसे की एल एन की ना हम लोग इसे पैक करते हैं और यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें मिलता है हमारा मेन ट्राईपॉड और ये ट्राईपॉड के साथ में वो इस तरीके से नज़र आएगा आप क्विकली पॉलीथीन भी उतार देते हैं इसके ऊपर से अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे इस ट्राईपॉड की लगी है कि साथ में इसके फ्लूड हेड पे जो है वो इस तरीके का कवर भी आता है जो कि इसके फ्लूड हेड को प्रोटेक्ट करता है जो कि जनरली आपको और किसी ट्राईपॉड्स के साथ में नहीं देखने को मिलेगा और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा मेरा ट्राईपॉट अब ये जो ट्राईपॉट है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है नॉट कार्बन फाइबर अगर आपको कार्बन फाइबर वाला मॉडल चाहिए तो इसमें कार्बन फाइबर में भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप इनकी वेबसाइट से जाके कर परचेज कर सकते हैं बट कार्बन फाइबर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइज ही है कम्पेयर टू एल्यूमिनियम सो एल्यूमिनियम का जो प्राइस है वो इंडियन मार्केट में अराउंड सत्रह हजार रुपये का देखने को मिलेगा सो ये जो ट्राईपॉड है सत्रह हजार में पूरा आता है मतलब इसका जो फ्लुइड हेड है ना ये जो फिफ्टी एट एम एम का फ्लूड हेड है ये भी इसके साथ में आएगा जो कि एक बंडल का पार्ट है और सत्रह हजार रुपये में आई थिंक ये बहुत अच्छी कॉस्ट का ट्राईपॉड है जो कि एडिशनल फीचर्स को लेके आता है अब इसके फीचर्स की बात करते हैं सो so, सबसे पहले ये एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में तो है ही है और इसका वेट भी बड़ा डिसेंट है तो इसका जो वेट है ट्राईपॉड का वो अराउंड 4.4 पॉइंट का है साढ़े चार किलो के आसपास ये वे करता है और इसकी जो पेलोड कैपेबिलिटी है मतलब आप इस पर कितना कैमरा भारी जो है वो बैलेंस कर सकते हो तो लगभग आप इसके ऊपर जो है वो स किलो तक के कैमरे को लगा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम ये इसकी पेलोड कैपेबिलिटी है ये एक स्टैंडर्ड जो है वो फ्लूड हेड थ्रेड के साथ में आता है जिसको आप निकाल भी देख सकते हो अगर आपको लेग में से फ्लूड हेड को रिमूव करना हो तो नीचे की तरफ आपको जो है वो पोर्शन मिल जाता है जहां स्क्रू को रिमूव करके और आप इस हेड को निकाल के और किसी अगर डॉली ट्रैक पे लगाना है तो उस पर लगा सकते हो अब नाउ एक सबसे अच्छी चीज इस ट्राइपॉड की ये है हाइट है वो काफी अच्छी है तो लगभग इसकी जो हाइट हमें देखने को मिलती है वो अराउंड सिक्स फीट के आसपास मिलती है मतलब मैं Ótimo. फीट की हाइट वाला बनना हूं तो ये मेरी हाइट पूरी क्रॉस कर सकता है इतनी बड़ी है, इसकी हाइट ओपन अप उप हो जाती है है प्लस यहां पे जो है वो मल्टीपल क्वार्टर थ्रेड्स मिलते हैं इसके ऊपर तो अगर आपको इस ट्राइपॉड एक्सेसरी माउंट करनी हो लाइक कुछ लाइट अगर लगाना हो क्योंकि इसमें क्वार्टर थ्रेड दिया हुआ है तो अगर आपको मैजिक आर्म से कुछ सीधे कनेक्ट करना हो तो वो कनेक्ट किया जा सकता है जो कि एक और एडिशनल फ्लेक्सीबिलिटी है टोटल तो हमें यहाँ पे तीन क्वार्टर थ्रेड्स मिल जाते हैं इनके ऊपर अलग अलग एक्सेसरीज को माउंट किया जा सकता है ना जो ये हेड है हेड के भी अपने कुछ बड़े क्वांटिटीज हैं वीडियो प्रोडक्शन के अंदर ये जो हेड है ये फ्लूइड हेड है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमें 360 डिग्री पैन देखने को मिलता है Uh, 90 डिग्री के एंगल पे टॉप टिल्ट और 70 डिग्री के एंगल पे जो है वो लोअर टिल्ट देखने को मिलता है इसमें हमको यहाँ पे वाटर लेवल एडजस्टमेंट भी देखने को मिलता है साथ साथ में आप पैन और टिल्ट के मोशन की स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो कि कितना स्मूथली ये पैन और टिल्ट करना चाहिए स्पेशली अगर आप एक वीडियोग्राफी करते हो अगर अपने कैम्पॉर्डर्स के लिए कोई हैवी ड्यूटी ट्राईपॉड देख रहे हो तो आई थिंक ये ट्राईपॉड एक बहुत मस्ट टू हैव ट्राईपॉड रहेगा नीचे की तरफ आपको लेग में यहाँ पे 360 सिक्सटी डिग्री आर्ट्स मिल जाते हैं प्लस ये इस थ्री सेक्शन के अंदर आता है थ्री सेक्शन की तरह यहाँ पे सामने की तरफ आपको ये जो है वो उसका लॉक मिलेगा इसको जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो इस तरीके से ये ट्राईपॉड यहाँ पे एक्सटेंड होता है तो आपको थ्री सेक्शन वाला जो है वो ट्राईपॉड जो है वो एक्सटेंड होगा और थ्री सेक्शन में इसकी हाइट पूरी की पूरी बढ़ जाती है और ओवरऑल काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में हमें देखने को मिलता है। जिस प्राइस सेगमेंट में आपको ये मार्केट में मिलता है सो so जनरली अगर आप एक फ्लूएडेड ट्राइपॉर्ड लेने जाओगे मार्केट में तो इट विल अराउंड कॉस्ट यू एट टू टेन थाउजेंड बिटवीन और एट टू टेन थाउजेंड ऑफकोर्स आपको थोड़ी क्वालिटी कम मिलेगी जैसे कि मैंने प्रीवियस एक ट्राइपॉर्ड आपको बजट में दिखाया था ये ट्राईपोड की क्वालिटी ज्यादा बेटर है प्लस जो इस हेड पे हमें प्लेट मिलती है ये एक स्टैंडर्ड मैनफ्रोटो प्लेट मिलती है जिसको आप सीधे अपने डीजे आर एस थ्री या आर एस टू गिम्बल पे माउंट भी कर सकते हो और सबसे अच्छी चीज इस प्लेट की ये है कि इस, इस पूरे सिस्टम की ये जो इस पे हेड मिलता है ये क्विक रिलीजिंग सिस्टम पे बेस्ड है तो आप जस्ट एक बटन प्रेस करो और आपकी प्लेट जो है वो बाहर निकल जाएगी और अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो तो वायर स्क्रू से लॉक कर दो और अगर आपको वापस इसे लगाना है तो आप एक सिंगल प्रेस करो और सिंगल प्रेस होते ही ये लग जाएगा तो ये एक अच्छी चीज़ है इसकी कि क्विक रिलीजिंग सिस्टम पे आता है ना मैंने जो एक डॉली ट्रैक इसका लिया है नीचे के लिए अब मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ इस टाइप के हाई क्वालिटी बैग में दिखता है हमें ये बैग है इसका बेसिकली और मैं इसे ओपन करूँ तो मैंने क्या है बहुत सारे जो है वो बजट डॉली ट्रैक यूज़ करके देखे हैं बट उनकी प्रॉब्लम क्या होती है उनके व्हील जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है बट यहाँ पे जो है हमें इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल्ड देखने को मिलती है काफ़ी लाइट वेट है इसका जो वेट है लगभग ढाई किलो के, के आसपास है और सबसे अच्छी चीज़ ये है जो इसकी व्हील है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तो इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे बट इनको यूज करने का एडवांटेज तभी रहेगा जब आप इन्हें स्टूडियो में यूज करो क्योंकि अगर नॉर्मल सरफेस है जैसे कि आप रोड बोर्ड पे से यूज करोगे तो वहां पे थोड़ा सा जो इनके खराब होने के चांसेस रहेंगे अगर आप स्टूडियो में हैं जहाँ पे आपके पास में टाइल्स हैं प्लेन फ्लोर है तो उस सिचुएशन में ये जो डॉली है बहुत अच्छे से काम करेगी आपके स्टूडियो में इस डॉली को मैंने स्पेसिफिकली अपने स्टूडियो के लिए लिया है ताकि मैं स्टूडियो में इस ट्राईपॉड को फ्रीली मूव कर सकूं जहां पे भी मुझे मूव मुझ करना हो प्लस यहां पे जो है आपको जो है वो थ्रेड मिलते हैं जिनके ऊपर आप अपने ट्राईपॉड को माउंट कर सकते हो ये डॉली के ऊपर इस तरीके से एक जो है वो वेलक्रो मिल जाता है जिसको हटा देंगे तो इस तरीके से डॉली पूरी ओपन हो जाती है इसको वापस जो है वो फोल्ड करने के लिए यहाँ पे दो क्विक रिलीजिंग बटन्स मिलते हैं जिनको प्रेस करके आप इन्हें ऐसे फोल्ड कर सकते हो और अगर आपको उसको अनलॉक करना हो तो इसे पूरा ओपन कर दो और ये लॉक हो जाएंगे अच्छा व्हील में भी एक अच्छी चीज ये है कि व्हील में भी हमें लॉकिंग सिस्टम मिलता है तो अगर आपको व्हील की पोजीशन को कहीं एक जगह फिक्स करना हो तो आप इजीली उसे इससे लॉक कर सकते हो तो ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का टॉली है जो कि आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको ये जनरली नीड रहता है अपने फोटो वीडियो शूट्स के अंदर तो आप डेफिनेटली इस डॉली को यूज कर सकते हो इस डॉली व्हील बेस है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है इसमें एक एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है तो आप इसे एक लेवल और एक्सटेंड कर सकते हो अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये कुछ इस डॉली के फीचर है ये डॉली की जो प्राइस है लगभग आपको सात रुपए के आसपास मार्केट में पड़ती है और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा अगर आप इस ट्राईपॉड को खरीद रहे हो तो इसके साथ में ये डॉली परचेज कर लो क्योंकि ये अगर आप स्टूडियो वर्क करते हो या फिर स्टूडियो में पर्टिकुलरली इस ट्राईपोड को यूज कर रहे हो या फिर अगर आप बेसिकली वीडियो प्रोडक्शन में कहीं स्टूडियोज में जरा शूट करते हो इन दैट सिचुएशन ये आपका जो ट्रैक लगाते हैं ना हम लोग डॉली ट्रैक लगाते हैं उसका जो है वो खर्चा बचा देती है एक तरीके से आप अपने ट्राईपॉड को ही डॉली बना सकते हो वहाँ पे तो इन दैट सिचुएशन ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है टू तो हैव हाँ इन योर बैग तो इन सभी प्रोडक्ट्स के दोनों ट्राईपॉड और डॉली के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मुझे पर्सनली ये स्मॉल रिक का जो है वो फ्लूड है ट्राईपॉट ए डी जीरो वन बहुत पर्सनली पसंद आया साथ साथ में ये डॉली इसकी जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बिल्ड के साथ में कुछ एडिशनल फीचर लेके आती है और लिटरली ऐसा ट्राईपॉड मैंने अपने पर्सनली और लिटरली अगर आप एक अफोर्डेबल क्वालिटी के अंदर एक हाई क्वालिटी बिल्ड वाला ट्राईपॉड देख रहे हो तो आप इस ट्राईपॉड एड AD, ए डी जीरो वन या फिर इनका एक कार्बन फाइबर वाला और ट्राईपॉड होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस के अंदर उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो आप मुझे बताओ ये ट्राईपॉड कैसा लगा पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट यूनियन की शूटिंग